चलो भाई व्लॉग स्टार्ट करते हैं और आज़ादी की रौनक है मैं आपको दिखा 13 अगस्त था आज और मैं गई थी नॉर्मली स्टॉल्स देखने के लिए, लेकिन जब मैं टाउन हॉल की तरफ से गुजरी बीमार में, टाउन हॉल में हर साल 14 अगस्त का फंक्शन होता है, न्यू ईयर का मुझे भी याद नहीं है लेकिन 14 अगस्त का हर साल होता है। मेरा बिल्कुल भी मूड नहीं था जाने का 14 अगस्त के फंक्शन में, लेकिन जब मैं वहाँ गई और मैंने वहाँ लोगों को देखा, मैं 10:30 के करीब गई थी जब इतने लोग नहीं, लास्ट ईयर मैं सऊदीया में थी तो मैंने मिस कर दिया था 14 अगस्त, लेकिन इस साल मैं यहाँ पर हूँ तो मैंने कहा चलो यार मिस नहीं करते, इन्जॉय करते। और यहाँ पे हमसे ज़्यादा हमारे बच्चे इंजॉय कर रहे थे, ऑब्वियसली बच्चों की ही 14 अगस्त होती है। यहाँ पे इतने लोग आए हुए थे फैमिलीज के साथ बच्चे ले, और यहाँ पे सब बच्चों ने 14 अगस्त की ड्रेसिंग की हुई। लेकिन जो भी कहो, जो पहले हम 14 अगस्त मनाते थे अपने टाइम में झंडियाँ लगाना और झंडियाँ लगा के कॉम्पिटिशन करना है किसका घर ज़्यादा अच्छा लगा, ये चीज़ें अभी भी है लेकिन बहुत कम। फिर हम लोग पिक्चर्स लेके फारिग हो चुके थे, यहाँ पे इतना रश बढ़ चुका था क्योंकि 11:30 का टाइम हो रहा था और 12 बजे यहाँ पे फायरवर्क्स, यहाँ पे स्टॉल्स भी लगाए हुए थे मेहंदी के और मतलब पेंट्स वगैरह वो कर रहे थे। मुझे इतनी पसंद है ना बच्चों के गालों पे फ्लैग्स बने हुए होते, मैंने अपनी बच्ची की करने की कोशिश करी लेकिन उससे नहीं करवाई, फिर मैंने कहा छोड़ो यार रहने देते हैं वरना अपने सारे कपड़े खराब कर। यहाँ पे मेरी बच्ची इतना खुश थी और ये फर्स्ट टाइम था इसका। फिर मैंने कहा चलो हम लोग आगे की तरफ खड़े हो जाते हैं, फायरवर्क्स का टाइम होने वाला है, रश बढ़ जाए क्योंकि मुझे व्यू चाहिए था, इसलिए मैं बिल्कुल फ्रंट पे आई। यहाँ पे सारा फायरवर्क्स का मजा खराब हो चुका था क्योंकि हमारे बच्चे डर और ये सिर्फ हमारे बच्चों का हाल नहीं था, ये औरों के बच्चे भी रो रहे थे। खैर हमें तो निकलना पड़ा क्योंकि हम बच्चों को रोता हुआ डरता हुआ नहीं दे सकते, ये बच्चों की हालत ही कान पे हाथ रखे हुए थे क्योंकि ये बच्चों के लिए अनएक्सपेक्टिंग था। एनीवे हम लोगों को बहुत मजा आया 14 अगस्त के फंक्शन में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।